के हाथ में है। लेकिन चलिए एक और अहम मुद्दा है जो ऑटो सेक्टर को परेशान कर रहा है, वो ये कि सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो अब 2020 में BS6 नॉर्म लेकर आएंगे। BS4 नॉर्म सभी चल रहे हैं, BS5 नॉर्म्स 2018 में आने थे, लेकिन अब सरकार ये डिसीजन ले रही है कि वो सीधे 2020 में BS6 पर जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स के चेयरमैन संजय कपूर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिस्टर कपूर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कल जब हम ऑटो कंपनियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी ऑटो कंपनियां हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को होने वाली है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी अगले 4 साल में ही अपना जो सिस्टम है वो पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे BS6 नॉर्म्स के कंपोनेंट प्रोवाइड कराने में? वैसे अगर हमारे कंपोनेंट को रिफर करते हो तो हम इंजन कंपोनेंट्स नहीं बनाते, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वील हैव टू प्रीटी मच सप्लाई द सेम कंपोनेंट्स, लेकिन इंजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये काफी स्ट्रिक्ट होगा और ये काफी इन्वेस्टमेंट, यू नो, दे विल हैव टू मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट्स टू कीप अप। अगर आप देखोगे BS4 नॉर्म्स सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए हैं, सदर्न इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए भी नहीं अभी, तो जंपिंग टू BS6 इमीडिएटली विदाउट BS5 मे बी अ डिफिकल्ट टास्क। अब कुछ बातें फ्यूल को लेकर भी चल रही हैं कि वो भी एक बड़ा चैलेंज है। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट, आप एक इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है? ये अभी यू नो आई वुडंट नो द फिगर ऑफ हैंड, बट ये लार्ज इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू अपग्रेड कंपोनेंट्स। फ्यूल के लिए भी ये काफी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ओके, और दूसरा सवाल कि इस BS6 के लिए आई बिलीव अलग तरीके के फ्यूल की जरूरत होती है, तो वो किस तरह के चैलेंजेस थ्रो कर सकता है? हाँ, दैट विल बी यू नो वो गवर्नमेंट ने देखना पड़ेगा। आज हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेंगे और वो भी फ्यूल में ये लार्ज इन्वेस्टमेंट्स बनाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। एंड इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक दोज इन्वेस्टमेंट्स इन यू नो इन द एफर्ट टू इम्प्रूव द पोल्यूशन लेवल्स, फिर ये बनाना पड़ेगा, इट विल बी अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। ओके, क्या आपको लगता है इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री काफी बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है एंड द एयर अराउंड ऑटो इंडस्ट्रीज का इज नेगेटिव दीज डेज? आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इस वक्त हवा चल रही है वो ऑटो इंडस्ट्री के अगेंस्ट है? वेल यू नो पहले से पहले डीजल फ्यूल के अगेंस्ट काफी यू नो पोल्यूशन काफी रिस्ट्रिक्शन हुआ है और नाउ यू नो डीजल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू बी रजिस्टर्ड इन द NCR एरिया एंड दिस मे सॉर्ट ऑफ एक्सटेंड यू नो टू अदर एरियाज एंड दिस इज डेफिनेटली इम्पैक्टफुल टू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। लेकिन यू नो इट्स ड्राइव टूवर्ड्स क्लीनर एयर एंड क्लीनर एनवायरमेंट एंड दैट्स ऑलवेज इनकरेज्ड। ओके, एक और सवाल यहाँ पर जो चाइना में चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उससे ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री को काफी फर्क पड़ता है। करीब करीब 1/4 अभी जो ऑटो कंपोनेंट भारतीय बाजार में आ रहे हैं, 25% अभी का जो मार्केट है ऑटो एंसिलरीज का वो ऑलरेडी चाइना के पास है। अब चीन की करेंसी और डीवैल्यू की जा रही है और चीन क्योंकि वहां पर ग्रोथ नहीं है, डंपिंग की पूरी तैयारी कर रहा होगा। कितना बड़ा खतरा है ये? आई मीन अब यू नो गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूशनलाइज एंटी डंपिंग विद चाइना एंड दिस विल बी डेफिनेटली प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स द इंडस्ट्री। अब अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा प्रिसीजन हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स में हमारी ज्यादा कंपटीशन नहीं है चाइना से, लेकिन जब कमोडिटीज देखोगे वहां ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन है और स्मॉल प्लेयर्स विल गेट अफेक्टेड मोस्टली व्हेन इट कम्स टू कमोडिटीज। ओके, तो आपको लगता नहीं कि अभी जो सिचुएशन है जहां हमने देखा पिछले 5 सालों में चाइना का जो मार्केट शेयर है वो 18% से बढ़कर अभी का करंट 25% के आसपास पहुंच गया है, वो आगे और बढ़ेगा? आई मीन दिस इज गोइंग टू हैव टू यू नो बी रिलेटेड टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स दैट वी डू इन इंडिया
एंड मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा देयर विल बी रेगुलेशंस एंड एंटी डंपिंग व्हेन इट कम्स टू चाइना. ओके मिस्टर कपूर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस और ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए. फिलहाल हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आज ऑटो एंसिलरी ऑटो सेक्टर पर तो बात करेंगे ही और बाकी एक्टिव स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे. हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रस्ट लाइफ सिक्योरिटीज के हिमांशु शर्मा.